हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। अभी बहुत कम क्लासेस इस पे बॉटनी के आए हैं, लेकिन लगभग 8-10 क्लासेस देखते ही देखते हम लोगों ने शुरुआत की 2-3 यूनिट के लॉन्ग कवर कर लिए हैं दोस्त। इसलिए हमने पहले भी आपसे कहा था कि अगर टाइम नहीं भी होगा तो क्लास स्टार्ट करते हैं, ताकि धीरे 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 करके हम लोग पहुंच जाएंगे वहां तक जहां तक पहुंचना है। तो आज हम आपके लेके आए लाइफ साइकिल ऑफ ऊडोगोनियम। ठीक है, इंग्लिश में तो बच्चे, क्योंकि बायोलॉजी में सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है, छोटी सी नाम बड़ा दिक्कत होता है। तो ऊडोगोनियम इसे पढ़ेंगे, OEDO, एक तरीके से साइलेंट ऐसा। ठीक है, ओडोगोनियम ऐसा। ठीक है, क्लासिफिकेशन क्या है इसका, लीजिए भाई। क्लासिफिकेशन, ये एक एल्गी ही है। इतने दिनों से हमने जो भी वीडियोस आपको दी हैं वो सारी की सारी एल्गी ही थी। ठीक है, चाहे वो बॉलटॉक्स हो गई, जो भी चीजें थी वो सारी की सारी एल्गी थी। ठीक है, क्लोरोफाइसिस का ग्रुप है। ठीक है, सबको पता होना चाहिए, जो हमने आपको पूरा क्लासिफिकेशन बताया था। संग जिन्होंने पुरानी वीडियो नहीं देखी, पूरी प्लेलिस्ट देखे वो सर। ठीक है, तो अब क्या है, अकरेंस मतलब प्राप्ति कैसे होती है, मिलते कैसे। तो नहीं पता हो हिंदी में यहां लिख लेना भैया प्राप्ति। ठीक है, तो यह एक साफ एल्गी, यानी साफ सुथरी एल्गी होती है, जो कहां, तालाबों में, झीलों में पाई जाती है। इसके फिलामेंट्स, हमने आपको पहले भी बताया था, फिलामेंट माने तंतु होता है हिंदी भाषा में, जिनमें कई परत, जैसे आपने बल्ब देखा, बल्ब के अंदर भी फिलामेंट होता है। वो तंतु, बल्ब तो देखा, 10 रुपए वाला आता नहीं बल्ब, फोड़ दो देखो अंदर निकलता है। तो तंतु जहां पे चीजें दिखे, मान ले कई कोशिकाएं इकट्ठी होकर वहां पे दिख रही, तो वो तंतु कहलाएगा सर। ठीक है, इसके फिलामेंट्स मल्टी सेल्यूलर, मल्टी सेल्यूलर का मतलब क्या होता है, बहुत सारी कोशिकाएं इसके अंदर पाई जाती हैं, जिनमें 3 प्रकार के सेल्स प्रेजेंट होते हैं। 3 प्रकार के सेल्स का मतलब 3 प्रकार की कोशिकाएं इनके अंदर होती हैं। इसमें फिलामेंट में कैप सेल्स की प्रेजेंस इसका स्पेसिफिक कैरेक्टर होता है, कैप सेल्स इनकी विशेषताएं हैं। अगर मल्टीपल पेपर होता किसी की यूनिवर्सिटी में सर, ठीक है, तो पूछा जाता है कैप सेल्स पाई जाती हैं, चार आपको एल्गी का नाम दे दिया, तो डाप्टिक लगा देंगे किस पे, ऊडोगोनियम पे। तो कैप सेल्स इसमें पाई जाती है, ये इनकी विशेषता है। ठीक भाई, फिर रिप्रोडक्शन कैसे होता है, सबको पता है जनन रिप्रोडक्शन कहलाता है। ठीक भाई, तो लीजिए सर, 3 प्रकार से रिप्रोडक्शन हो सकता है। नंबर 1 कौन सा है, वेजिटेटिव यानी वृद्धि जनन। ठीक भाई, तो यह विखंडन से होता है, तथा फिलामेंट के टूटे हुए भाग से नए फिलामेंट प्रोड्यूस हो जाता है। विखंडन मतलब क्या होता है, टूटना होता है। तो क्या हो गया, एक फिलामेंट टूटा और वो कई फिलामेंट्स में धीरे धीरे करके डेवलप हो गया। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, आलिंगी जनन क्या होता है, तो यह चल बीजाणुओं के द्वारा होता है, जो फ्री होकर नया फिलामेंट प्रोड्यूस कर लेते हैं। तो यानी पहला क्या है, वृद्धि जनन, वेजिटेटिव वाला, इसमें क्या होगा, एक फिलामेंट ही टूट जाएगा। इसमें क्या होगा, कुछ चल बीजाणु होंगे, और उन चल बीजाणु का काम क्या होगा, वो धीरे धीरे करके क्या प्रोड्यूस कर देंगे, फिलामेंट प्रोड्यूस कर देंगे। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, तो इसमें क्या होता है, मेल पेयर्स के फॉर्मेशन की बेसिस पर 2 प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं। एक कौन सी हो गई, देखिए एक होती है, देखिए 2 तरीके की हैं, एक कौन सी है जरा देखिए यहां पे, पहला हमने इसका चित्र वगैरह सब बना रखा है। ठीक है, मैकरेंड्रस, इसमें फिलामेंट की कोई भी कैप अनेक डिस्क के समान सेल्स प्रोड्यूस करती है, जिन्हें पुंधानी कहते हैं हम लोग, जिनमें दो जो मतलब जो पूरे मोल हैं, ठीक है, 2 मोल पेयर्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। ठीक है भाई, इसका हमने यहाँ पे डायग्राम लगा दिया है, ये देखिए सर, इसमें जो डेवलपमेंट होता है एंडोस्पोर का, डॉर्फ मेल का, वो यहाँ पे हमने बना दिया है। उसके बाद दूसरा क्या है, एनसे आ जाएगा सर। ठीक है, नाना एंड्रॉस, ठीक है, इसका इसमें क्या होता है, स्पेसीज, इनमें फिलामेंट्स पर एंड्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, जो जर्मिनेशन को बोलते हैं अंकुरण। अंकुरण तो समझते होगे ना आप, अब अंकुरण आपको कैसे समझाएं, अंकुरण आप समझते होगे, घर में जाए मम्मी वगैरह हम लोग की चने रख देती सुबह, उसमें अंकुर निकल आते हैं, तो अंकुरण हो जाता है, जिससे डॉर्फ मेल बनते हैं, जिन पर मेल पेयर्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। ये देखिए यहां पे आपको दिखा रखा है। ठीक भाई, तो इस तरीके की चीजें आप देख लेंगे। उसके बाद पूरी पीडीएफ आपको कहाँ मिल जाएगी, टेलीग्राम पे। बेसिकली इसमें आपको पढ़ना ज्यादा है, याद करना है चीजों को, इसमें देखिए बायोलॉजी है ये, ठीक, बायोलॉजी में चीजें समझाई जाती हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं आपके पास तक सारे नोट्स कम से कम पहुंच जाए, ताकि आप लिख के आराम से पढ़ के उसे समझ के लिख के पेपर दें आ जाके। ठीक है, तो एक बार पढ़ा करिए। एक बच्चे कह रहे थे सर लैंग्वेज कठिन लग रही है, मेरे भाई ये मेरे हिसाब से तो यूट्यूब पर सबसे सरल लैंग्वेज यही है, ये खुद लिखते हैं बैठ के हम, जबकि मेरे पास खुद टाइम नहीं है। 2-3 बच्चों ने हमसे कहा कि सर आप क्या लिखते रहते हैं, तो हमने यार क्या करें, नोट्स वोट्स तो है नहीं, तो सोच रहे बना लें। तो फिर क्या हुआ, एक दो बच्चों ने कहा कि हम लिख देंगे, मॉडल आते हैं वो टोटल हिंदी में होते हैं या इंग्लिश में होते हैं, ये भी दिक्कत है। प्लस हम जो छांटना चाहते हैं, बड़ा लिखा होता है उसे छांट के छोटा करना, बहुत सारी चीजें, तो हम ही को करना, या तो हम संग में दिमाग खराब करें, तो हम चलो हम ही लिख लेंगे। तो ये मेहनत करके आपके पास कंटेंट पहुंच रहा है, तो थोड़ा सा सर। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, तो फ्री मोल पेयर, फ्री मेल पेयर जो होते हैं, में से कोई एक एग से मिलकर जायगोट का फॉर्मेशन कर लेते हैं। जो मेल पेयर्स होते हैं, ये मोल नहीं, मेल लिखा हुआ है, मेल मतलब इसे हिंदी में कहें तो मेल मतलब पुरुष होता, सबको पता, लेकिन पुरुष नर युग्मक कह लो सर। ठीक है, नर युग्मक, अब युग्मक तो आपको समझ में आता होगा, छोटे क्लास में यार पढ़ाया जाएगा, जो गुणसूत्र होते हैं युग्मक की फॉर्म में, एक्स एक्स लड़कियों में होता है, एक्स वाई, उसी तरीके की युग्मक बनता है, तो नर युग्मक कहलाता है। इसका डायग्राम, इसमें फर्टिलाइजेशन लगवा दिया हमने। ठीक है सर,
आखिरी में जर्मिनेशन ऑफ जायगोट, जायगोट का अंकुरण कैसे होता है, तो इसका जर्मिनेशन अनुकूल परिस्थितियों में होता है, केंद्रक में चल बीजाणु, केंद्रक जो है वो बदल जाता है चल बीजाणु में, और अभी हमने आपको ऊपर दिखा रहा है कि चल बीजाणु फिलामेंट बना देते हैं और कुछ समय पश्चात जर्मिनेशन से एक नया फिलामेंट बन जाता है, यानी चल बीजाणु से ही फिलामेंट बन जाता है। ठीक है भाई, तो बिल्कुल आसान है, आप चीजों को आसानी से लिख सकते हैं। यह है लाइफ साइकिल ऑफ, ठीक है, ओडोगोनियम। ठीक भैया, इसे भी आप पढ़िए और धीरे धीरे करके हम लोग बढ़ रहे हैं। हमने पहले ही आपसे कहा था जितना ज्यादा से ज्यादा कंटेंट हो पाएगा आप तक हम पहुंचा देंगे। इसकी प्लेलिस्ट आपको कल मिल जाएगी टेलीग्राम पे, सारी चीजें आपके लिए लाई जा रही हैं। कोशिश है बहुत सारी चीजें करने की। आपको कोई भाई बहन ट्वेल्थ में है, बी डिकेडियन ट्वेल्थ और बी डिकेडियन अपने मेन चैनल पर पूरी एक सीरीज शुरू हुई है 40 दिनों के अंदर, उसमें लोगों को ज्वाइन कराइए। कोई फर्स्ट ईयर में बेचारा दुखी आदमी है, केमिस्ट्री फिजिक्स सब हमने पढ़ा दिए, जिसके पास हो बहुत सारा कंटेंट आपके लिए बना दिया है, बस आपको मन लगा के पढ़ना है। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम पे जाके सर्च कर लीजिएगा बीडीकेडियन बीएससी, आज से कल तक इसकी पीडीएफ आपको वहां पे मिल जाएगी। बस दोस्तों, जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, नोट्स वगैरह जरूर बनाते चलिए, क्योंकि युद्ध के टाइम पे अगर तलवार ही नहीं होगी, हथियार नहीं होगी तो लड़ेंगे कैसे, तो नोट्स बनाइए। बच्चों ने, कई बच्चे, हमने एक नंबर दिया था, कई बच्चों ने उस पर केमिस्ट्री के नोट्स हमें भेजे, बड़ा अच्छा लगा। फिजिक्स के नोट लोगों ने भेजे, बड़ा अच्छा लगा। तो अगर आप भी पढ़ रहे हैं, बना रहे हैं, पढ़ तो लोग रहे हैं, क्योंकि किसी किसी वीडियो पर 1000-1000 व्यूज तक हो जाते हैं, लोग देखते तो हैं 300-400-500। मेरा मानना यह कि 100 लोग भी देख रहे हैं, 100 लोगों का भी कल्याण हो रहा है तो कुछ बुरा नहीं, क्योंकि 100 लोग जब यहाँ बैठते हैं ना तो बड़ी भीड़ लगती है, तो ऐसा लगता है बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं, 100 लोग बहुत होते हैं। तो यही ओवरऑल बात है जो आपको बताना चाहते हैं। फिलहाल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।